नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मनोकामना पूरी करने की वीडियो में आज फिर एक वीडियो ऐड होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी भी मनोकामना को पूरी करना चाहते हैं, आपकी दिली इच्छा है, आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो टोटका बता रही हूँ, इसको करके आप अपनी मनोकामना को जल्द से जल्द पूरी कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई भी अपवाद नहीं है, ये कोई भी झूठ नहीं है, ना ये सिर्फ व्यूज़ गेन करने वाला वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो काफी लोग परेशान हो गए हैं, काफी टाइम से बहुत कुछ कर लिया है। मेरे पास मैंने देखा है, कई सारे कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमने ये कर लिया, वो कर लिया, आपके वीडियोस भी फॉलो कर लिए, तो भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये सभी पर, जितनी भी अभी तक की वीडियो आई है, उन सब में बेस्ट टोटका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो टोटके काम नहीं करते, पर जिन लोग वो कर चुके हैं और जिनको उनसे फायदा नहीं मिला है, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, क्या है टोटका, पहले ये बता देती हूँ और फिर पूरी प्रोसेस बताती हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी लास्ट में, जो कि इस टोटके में आपको करना है, पर पहले टोटका देख लें, फिर उसकी टिप्स भी लास्ट की जरूर सुने, जिनको अगर आप करेंगे तो जरूर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो चलिए, क्या है टोटका ये बताते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको लेना है एक पीला कपड़ा, ठीक है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, सोमवार से रविवार तक कभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस टोटके को आपको लगातार 5 बार करना है, ठीक है, 5 दिनों तक कंटिन्यू करना है इसे। और आपको क्या करना है, एक पीला कपड़ा लेना है, ठीक है, ध्यान रखें, एक पीला कपड़ा आपको लेना है। अब इस पीले कपड़े में आपको पीला नींबू लेना है, ठीक है। पीला नींबू यहाँ पर ऐसा लेंगे जिसमें पीछे डंठल हो, पीला कपड़ा लेना है, साथ में पीला उसमें नींबू लेना है, ठीक है। जो पका हुआ होता है वो पीला ही होता है नींबू, उसमें डंठल होना चाहिए। साथ में आपको इसमें रखना है चुटकी भर शक्कर, ठीक है, चुटकी भर शक्कर ले ले और चुटकी भर तिल ले लेना है, ठीक है। पीला कपड़ा, पीला नींबू, डंठल वाला, चुटकी भर शक्कर और चुटकी भर तिल लेना है, ठीक है। काले तिल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे नॉर्मल तिल भी ले सकते हैं। तिल से मतलब है तिल्ली, जिसमें सीड्स जिन्हें कहा जाता है, वो आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है, इसमें ये जो आपने लिया है, इसे अपने घर में जहाँ पर भी आपके भगवान का स्थान है वहाँ पर इसे रखें। रखने के बाद में आपको प्रार्थना करनी है, भगवान को कहना है, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको कहना है, और साथ ही आपको एक मंत्र का जाप करना है मन ही मन में 11 बार। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है। ये मंत्र आपको यहाँ स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है 11 बार, और फिर इसकी गठान बांधना है, इस पीले कपड़े को गठान बांधना है, मतलब इसकी एक पोटली बनाना है, ये सारा सामान उसके अंदर रहने देना है और बाहर इसकी पोटली बना लेना है। पोटली बनाने के बाद में आपके घर के आसपास जो भी चौराहा हो या तिराहा हो, जहाँ पर 4 रास्ते फूट रहे हो या 3 रास्ते वाली जो जगह हो, वहाँ पर आपको इसे बीचों बीच रख आना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे रखें तो उस चौराहे पर या तिराहे पर आपको कोई देखे ना, ठीक है। ऐसा आपको कर देना है, करने के बाद बिना पीछे मुड़े, बिना पलट के देखे आपको घर वापस आ जाना है, ठीक है। बस इतना सा आपको काम करना है, ये आपको लगातार 5 दिनों तक करना है। ध्यान रहे, बीच में एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर छूट जाता है तो फिर से गिनती 1 से शुरू होगी। तो बस इतना सा आप उपाय कर ले, आप देखेंगे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जो भी मनोकामना हो, कोई भी, यहाँ पर मैं कह रही हूँ, कोई भी हो सकती है मनोकामना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार के संबंधों से रिलेटेड हो या फिर घर गृहस्थी, ऐसी कोई भी A to Z मन में जो भी कामना है वो सभी के लिए कारगर है। इसी तरह के और भी कई वीडियोस मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं मनोकामना पूर्ति के, जिनकी लिंक आपको लगातार आई बटन पर शो हो रही है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक करते रहा कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको कई सारे लिंक्स प्रोवाइड करके रखती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।